शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? जी हाँ। ठीक है, आप दोनों यहाँ दस्तखत कीजिए। ठहरो। ये मत समझना ब्रिजनाथ कि मैं इस शादी को रुकवाने आया, और ना ही मुझे अब इस शादी पर कोई एतराज है। मैंने हमेशा अपनी बहन की खुशी चाही राजा, और अगर यह खुशी उसे तुम्हारे साथ मिल सकती है तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी दीवार नहीं बनूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। बस एक विनती है ब्रिजनाथ, जिस बहन को बेटी की तरह पाला हमने, जिसकी शादी के लिए न जाने कैसे कैसे सपने देखे हमने, उस बहन की विदाई अगर कोर्ट के बजाय उसके भाई के घर से हो तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, बहुत बड़ा एहसान होगा। राणा साहब देखिए, आपका दिल दुखाने का हमारा मकसद नहीं था, जो हुआ उसे भूल जाइए और आपकी इच्छा हमारे सर आंखों पर, मधु की डोली आपके घर से ही उठेगी। मैं तुम्हारा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रिजनाथ, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे राणा साहब, ये भैया ये आपने क्या कर दिया भैया, जो हमारी ठोकर के काबिल नहीं आप उनके पैरों में झुक गए। मैं पूछता हूँ, हो क्या गया आपको? मत बोलिए राणा साहब, कि आपने अपने डूबते हुए कारोबार को बचाने के लिए मुझसे करोड़ों रुपया उधार लिया है और वादा किया है कि मधु की शादी होगी तो मुझसे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो होगा जो आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते। बोल चुके तुम लोग, अब मेरी सुनो। तुम लोग क्या समझते हो कि मैं झुक गया हूँ? नहीं विश्वा, नहीं। मैं झुका तो सिर्फ इसलिए हूँ कि उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक सकूं। दुश्मन का भरोसा जीत कर मैंने उसे निहत्था तो कर दिया है, अब देखो मैं वार कैसे करता। राणा साहब, ये सब क्या है? ये हमारी तरफ से मामूली सा शगुन है, इसे स्वीकार कर लो। नहीं राणा साहब, आपने अपने घर की लक्ष्मी, अपनी सबसे बड़ी पूंजी हमारे हवाले कर दी है, हमें इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। नाज है हमें अपनी बहन की पसंद पर, जिसने ऐसा घर चुना जिसमें रहने वालों के दिल संतोष और संस्कार की दौलत से भरे हैं। अरे बाबा, तुम दौलत की बात करता है लेकिन हमारा तो कंगाल होने का फुल चांसेस है। नमस्ते राणा साहब। नमस्ते, क्या बात है रंगलानी, बहुत परेशान लग रहे हो। अरे परेशानी की बात यह है कि सीतानगर वाली पार्टी है ना, उसका 10 लाख का चेक बाउंस हो गया। सुबह से 10 बार फोन किया, पार्टी फोन पर नहीं आती है। मेरे को तो कुछ घोटाला लगता है राजा, आज शाम की ट्रेन से तुमको सीतानगर जाना पड़ेगा। मगर रंगलानी साहब, मैं अपने भैया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अरे 2 दिन का तो बात है ना, कौन सा जिंदगी भर के लिए अलग होना है। मगर आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरे सिवा भैया की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कैसी बातें करते हो राजा, क्या हम लोग मर गए हैं? अरे 2 दिन के लिए हमारा समधी हमारे घर मेहमान बनकर रहेगा तो कुछ खातिरदारी करने का मौका मिलेगा ना हमें, क्यों मधु? जी भैया ठीक कह रहे हैं, लेकिन मधु तुम नहीं जानते। लेकिन वेकिन कुछ नहीं राजा, जाओ जाने की तैयारी करो, जाओ मधु ले जाओ इसे। चलो राजा। आपका रास्ता साफ कर दिया साईं, पकड़े को ले जाओ, कर डालो हलाल। नमस्ते राणा साहब। आओ नटवर, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। भैया जो हम सोच रहे हैं वो काम ही कर पाएगा? आपको यकीन नहीं हो रहा साहब, एक छोटा सा नमूना पेश करता हूं। देख राजा, तू मेरे को गुस्सा मत दिला, मेरे को गुस्सा आ गया ना तो एक दूंगा। हाँ क्या बात है भैया, क्या बात है, ये तो कमाल का कलाकार ढूंढ लाया आप। सुन नटवर जी, अगर तूने हमारा काम सही ढंग से कर दिया तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे, अगर एक बात याद रहे, अपनी हद मत भूलना, क्योंकि वो लड़की हमारी बहन है। मुझ पर विश्वास कीजिए राणा साहब, आपका काम हो जाएगा और वो पागल पागलखाने पहुंच जाएगा। शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ सुन लिया है मैंने और अब समझ में भी आ गया है
उस दिन जो आपने समझौता किया था बिरजू के साथ वो एक धोखा था, लेकिन मैं आपको ऐसा नीच काम नहीं करने दूंगी। मैं अभी जाके मधु को सब कुछ बता दूंगी। खबरदार, अगर तूने अपनी जबान खोली तो अपने सुहाग से हाथ धो बैठोगी। नहीं। तो फिर अपना मुंह बंद रखना, समझी? अब तुम सो जाओ और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। मुझे बिजली से बहुत डर लगता है, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है, सो जाओ, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, सो जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। अच्छा ठीक है, मैं ही बैठ जाती हूँ, देखो मैं ही बैठी हूँ, तुम सो जाओ। कमरे में जाके सो जाओ। मुझे डर लग रहा है। ओहो, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाके सो जाओ। मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है। मधु, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बिरजू, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे पास आओ ना। ये क्या कर रहे हो तुम? बिरजू, मुझे एक बार चूमना है तुम्हें। मधु, चूमना है तुम्हें मुझे। साधे, ये पागलपन का ढोंग रचाकर तूने अपने होने वाली भाभी के सिर पर हाथ डाला। मधु, मैंने क्या कुछ नहीं, वो तो खिड़की से भाग गया, मैंने बचाया। सारे झूठ बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। चल कुत्ते, चल जामा करता है। मुझे मत, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागलपन का नाटक करता है। मुझे मत, मुझे
जलील इंसान हमारी बहन की इज्जत पे हाथ डालता है। तेरे हाथ तोड़ूंगा कबीले, मार डालूंगा। मार डालोगे कैसे? भाभी मुझे बचा लीजिए। साले पागलपन का ढोंग करता है और रैम की भीख मांगता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो इसे। भाभी हट जाओ। कबीले भाई साहब पागल खाने में फोन कीजिए, आकर ले जाए इसे। डॉक्टर सिन्हा, मैं राणा महेंद्र प्रताप बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ एक पागल आपे से बाहर हो गया है, आप फौरन आइए और उसे ले जाइए। मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। ये देखो मधु, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वैसे तो सीता नगर में कुछ मिलता नहीं, फिर भी राणा साहब के लिए शॉल और बिरजू भैया के लिए स्वेटर लाया हूं, अच्छा लगेगा ना उन पर। लेकिन बिरजू भैया है कहां? मधु बताओ ना, बिरजू भैया कहां है? आप लोग बताते क्यों नहीं? कहाँ है बिरजू भैया? बताइए ना बिरजू भैया कहाँ है? मधु तुम लोग चुप क्यों हो? बताते क्यों नहीं बिरजू भैया कहाँ है? भगवान के लिए बता दो मधु, बिरजू भैया कहाँ है? मैं बताता हूं, तुम्हारा भाई इस वक्त पागल खाने में। मेरा भाई पागल खाने में मधु? किसने भेजा? क्यों भेजा पागल खाने में? क्यों भेजा? उसने हर गति ऐसी की थी, मधु की इज्जत पर हाथ डाला था उसने। ये झूठ है, मेरे भाई का इल्जाम लगाता है। ये झूठ है, बोल ये झूठ है, बोल झूठ है, बोल बोल ये झूठ है। चलो मेरे भाई का इल्जाम लगाता है तू, भाई का इल्जाम लगाता है, बोल ये झूठ है, बोल ये झूठ है। मेरे भाई ने जो कुछ भी कहा उसके एक एक शब्द में सच्चाई है। अरे लोग तो अपने छोटे भाई की पत्नी को बहू नहीं बेटी समझते हैं, उसी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की है तुम्हारे भाई ने। ये तुम कह रही हो मधु? तुम? हाँ मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो हादसा मैंने अपने आप पर बर्दाश्त किया था। पाप कर रही हो तुम, एक बेबस और लाचार इंसान पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाकर पाप कर रही हो तुम। अरे आसमान से आग बरस सकती है, जमीन से खून निकल सकता है, चांद सितारे टुकड़े होकर बिखर सकते हैं, लेकिन मेरा भाई कभी ऐसी जलील हरकत नहीं कर सकता मधु, कभी नहीं कर सकता। इसमें जरूर किसी की साजिश है। खबरदार जो मेरे देवता समान भाइयों पर इल्जाम लगाने की कोशिश की, अगर वो उस दिन वक्त पर नहीं आते ना तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। आज तुम्हें इस बात का फैसला करना होगा राजा, तुम्हारी जिंदगी में मैं रहूंगी या तुम्हारा वो पागल भाई। खबरदार जो मेरे भाई को पागल कहा, और रही बात फैसले की तो सुन, तुझ जैसी हजार लड़की मैं अपने भाई पर कुर्बान करता हूं, समझी? जाओ, चले जाओ,
करना चाहती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। I hate you. I hate you. देखा विश्वा हमारे दिमाग का कमाल। ये आशिक भी हमेशा के लिए दफा हो गया और हमारी बहन भी हमारे पास वापस लौट आई।